महाराज वर्णन करते हैं। हे सौनकादिक ऋषियों, पांडवों में और कौरवों में ये दुर्योधन इतना कपटी था कि इसने छल कपट से पूरे राज्य को अपने बस में कर लिया। ध्यान दे, बात उस समय की है जिस समय भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ में रहा करते थे। तो एक दिन भगवान कन्हैया शांति दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। तो दुर्योधन ने आता हुआ देखा, खड़ा हो गया सिंहासन से। आइए माधव, आइए, स्वागत है हस्तिनापुर के बीच में, आइए पधारो बैठो। भगवान को बिठाया और कहा, आइए भोजन कर लीजिए। भगवान हंस के बोले, देखो दुर्योधन, भोजन हमेशा दो जगह करना चाहिए। कहाँ कहाँ? पहला, या तो ज्यादा भूख लगी हो तो भोजन करना चाहिए, या फिर भूख नहीं हो और भोजन खिलाने वाले के मन में थोड़ा भाव हो, थोड़ा प्रेम हो, ऐसे पीछे पड़ जाते, अरे थोड़ा खा लो, अरे एक नहीं, अरे आधी खा लो, अरे आधी नहीं तो थाली तो बिगाड़ दीजिए। तो वहां हमें भोजन कर लेना चाहिए। भगवान बोले, देखो दुर्योधन, माफ करना मुझे, यहाँ तो मुझे दोनों में से एक भी चीज नहीं दिख रही है। क्यों? पहला, मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये तो तुम मुंह से कह रहे हो भोजन कर लो, लेकिन अंदर से तुम्हारा मन कभी नहीं कह सकता माफ करो, मुझे भूख नहीं है, तो फिर किस लिए आए हो? भगवान बोले, दुर्योधन, जितना मैं पांडवों को चाहता हूँ उतना मैं आपको भी चाहता हूँ, लेकिन कहने सिर्फ ये आया हूँ कि पांडव आपके भाई हैं, कोई गैर नहीं है। कहना ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा नहीं तो पांडवों को 5 गांव दे दो, जिससे वो अपने गुजारा करते रहे। दुर्योधन ने क्रोध में आकर कहा, माधव, अरे आप 5 गांव की बात करते हो, पांडवों को मैं बिना युद्ध किए हुए एक सुई के नोके बराबर जगह देने को तैयार नहीं। पांडव हमसे युद्ध करें, अगर पांडव युद्ध जीत जाएंगे तो मैं अपना हंसते हंसते पूरा राज्य में पांडवों को दे दूंगा। सही कहते, सच कहते हैं, जागो दुख विधाता देही बाकी मत पहले अरले। इसे कहते हैं विनाश काले और विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने के लिए आता है तो ये बुद्धि भी काम नहीं करती है, बुद्धि भी बदल जाती है। बहुत समझाया। दुर्योधन ने कहा, मैं युद्ध चाहता हूँ। भगवान बोले, तुम अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा, युद्ध होगा, अगर कोई हमारी मदद की जरूरत हो तो मुझसे सुबह आकर मांग लेना। भगवान ने वहां से चले, दुर्योधन के 56 प्रकार के भोजन त्याग दिए। चाचा विदुर जी के यहाँ भगवान ने भोजन किया। अर्जुन से भी जाके कहा कि दुर्योधन युद्ध चाहता है, कल कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होगा, और अर्जुन तुम्हें मेरी सहायता की कुछ जरूरत हो, मेरी मदद चाहते हो तो आप हमसे आकर मांग लेना। और भगवान जाके विश्राम करने लगे। अब दुर्योधन ने आधी रात के समय सोचा, हमसे पहले अर्जुन न जाके मांग ले, तो आधी रात से ही जाकर भगवान के पास पहुंच गया और भगवान के सर की तरफ बैठ गया, नहीं ऊपर, सर की तरफ। ये हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने से बड़ों के सर की ओर नहीं बैठना चाहिए, अपने से बड़ों के सर की ओर नहीं बैठना चाहिए। दुर्योधन भगवान के सर की ओर बैठा, सारी रात हो गई बैठे बैठे, सुबह हुआ अर्जुन का आना हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। भगवान की नींद खुली, सीधा दर्शन अर्जुन का किया। भगवान उठकर बैठे, उठते उठते बोले, अरे अर्जुन, तुम कब के आए? और इतनी बात दुर्योधन ने सुनी तो उसे ऐसा लगा
मानो किसी ने जलती हुई आग में घी को छोड़ दिया हो। बोला कि मुझसे ज्यादा तुम अर्जुन को चाहते हो? अरे मैं आधी रात से बैठा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पूछा क्यों आए, किस लिए आए। अर्जुन अभी आए, आते आते पूछ लिया क्यों आए हो। भगवान ने पीछे देखा, अरे तुम पीछे बैठे हो। तो भगवान ने विचार किया, चलो तुम्हारा मन रखने के लिए पहले तुम्हें ही पूछ लेता हूँ। बोलो तुम क्या लेना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा क्या देना चाहते हो? भगवान बोले अगर हमारे अस्त्र शस्त्र मांगोगे तो आप ले सकते हो, और मुझे मांगोगे तो मैं करूँगा कुछ नहीं, बैठा देखता रहूँ। अब तुम बताओ क्या लेना चाहते हो? दुर्योधन ने विचार किया जब ये कुछ करेंगे नहीं तो इनको लेने से क्या फायदा, और विचार करके बोला कि मुझे अस्त्र शस्त्र चाहिए। अब अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा प्रभु मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। जिधर भगवान होंगे वहां अस्त्र शस्त्र कभी काम नहीं करेंगे। भगवान बोले सोच लेना मैं कुछ नहीं करूंगा। अर्जुन बोले कुछ मत करना, लेकिन मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ। भगवान बोले ठीक है, अगर तुम चाहो, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारा रथ चलाने का काम करता हूँ, रथ में चलाता रहूंगा। ठीक है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। एक एक करके भगवान कन्हैया अर्जुन के सारथी बन गए। एक एक करके सारे योद्धा कौरवों के मारे गए। दुर्योधन अकेला बचा तो झाड़ी में बैठ करके रोने लगा, क्योंकि भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और इसकी जंघा को तोड़ दिया। ये रो रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों का अंबार लगा है। इसके पास में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का पदार्पण हुआ। दुर्योधन से बोला भैया अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा अंतिम इच्छा मेरी ये थी कि मैं पांडवों के किसी भी हालत में सर देखना चाहता था, तुम दिखा सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा हाँ मैं दिखा सकता हूँ, इंतजार करो मैं अभी लौट कर आता हूँ और पांचों पांडवों के शीश काट कर लाऊंगा। अश्वत्थामा चला। भगवान कन्हैया ने पांचों पांडवों से कहा आज हम यहाँ विश्राम नहीं करेंगे, तो चलो आज कहीं दूर चलते हैं। उन डेरों में केवल द्रौपदी के पांच पुत्र गहरी नींद में सो रहे हैं। अश्वत्थामा ने तलवार निकाली और पांचों पांडव समझ के इसने तलवार को निकाल कर पांचों बच्चों का सर काट लिया, सर को लेकर झोली में रख लिया और ये अश्वत्थामा वहां से दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन से बोला भैया रोना बंद करो, क्यों? देखो तो सही मैं पांडवों के शीश लाया हूँ। दुर्योधन ने प्रकाश में जाकर देखा पांचों बच्चों के द्रौपदी के शीश देखे तो दुर्योधन बहुत रोया। रोते रोते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। मैया गांधारी के 100 के 100 पुत्र मारे गए, कोई नहीं बचा। आज मैया गांधारी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंची, देखती है कि लाशों का अंबार लगा है, 100 के 100 पुत्र गांधारी के मारे गए। आज वो माँ अपने 100 बच्चों की लहस पर फूट फूट कर रो रही है। उस माँ के दिल से पूछो जिसका एक बेटा जिस माँ को छोड़ कर जाता है, वो माँ जिंदगी भर अपने आप को संभाल नहीं पाती है। आज मैया गांधारी के 100 के 100 पुत्र मारे गए और आज ये कुरुक्षेत्र के मैदान में मैया गांधारी फूट फूट के रो रही है, बार बार कन्हैया को धिक्कार रही है, अरे कन्हैया तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, सब कुछ करवाया आपने करवाया, अगर तुम न होते तो ये मेरे बच्चों की ये दशा न होती, तुमने कन्हैया मेरे साथ में अच्छा नहीं किया।